चीज़ पर उंगली उठाता है, लेकिन उसने इस चीज़ को आप ये चीज़ का तो हम लोगों को भी अफसोस है कि ये चीज़ पर ध्यान क्यों नहीं दी जा रही। होंगे क्या हम लोग मुसलमान हैं, हमको जलील करने के लिए रखा हुआ है? क्या हमारा धर्म धर्म नहीं है? क्या आप लोग का ही धर्म धर्म है? तो इन लोगों के ऊपर हम लोगों को सख्त कार्रवाई करने की वो करना चाहिए। वल्ला इज्जत दिया तो उनके ऊपर हम उनको गौर करेंगे। जिस तरह से हल्के में लेते हैं इस्लाम को, जिस तरह से इन्होंने यूज़ किया गाने के अंदर मक्का मदीना वगैरह के नीचे अपने पोस्टर लगाकर, इस तरह से सेंसर बोर्ड को ये चीज़ रोकना चाहिए थी? बिल्कुल रोकना चाहिए थी। कल तक के आँख नहीं थी क्या? आज तुम लोग को नहीं दिख रहा है? कल तक के वो कौन सी पद्मावती का जो था, तो पद्मावती के अंदर तो पूरा देश एक जैसा हो गया था। और आज जब बात आती है तो तुम लोग बोलते हो कि अरे ये कुछ भी नहीं है। उसमें पद्मावती में क्या किया था उसने? या कोई को कुछ कर दिया था या कुछ करवा दिया था? यहाँ तो ये हमारे इस्लाम की बात है, तुम हमारे इस्लाम को पैर पे ला रहे हो। क्या हमने किसी के ऊपर किया क्या ऐसा कुछ? जिस हिसाब से इन्होंने गाने में यूज़ किया कव्वाली के अंदर, वाहियात वर्ड है बिल्कुल, कुछ मतलब नहीं है गानों का, उसके बावजूद इस चीज़ को यूज़ किया है नहीं? इन लोग हमारे लोग को जलील करने के पीछे पड़े हुए, अल्लाह इन लोगों को गारत कर दे। ये सेंसर बोर्ड, ये फिल्म लेन वाले लोगों को गारत कर दे। कोई एक्शन लेने वाले हम लोग उसके ऊपर मोर्चा उतारेंगे, तो ये हम लोग रिलीज होने नहीं देंगे इंशाल्लाह रहमान। अल्लाह मेरी लाज रखेगा। और हम सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है, तो आप किस तरह? हम लोग उसको कहीं लगने नहीं देंगे। जहाँ से भी जितना हो सकेगा हम लोग हमारे हिसाब से उससे लड़ेंगे। भाई ये फिल्म चलना नहीं चाहिए जब तक। तो आप इस फिल्म के गाने को उड़वाना चाहेंगे या किस तरह से? अगर ये गाना नहीं उड़ता है तो हम लोग उसके विरोध करेंगे इंशाल्लाह। किस तरह का एक्शन होने वाला है? जो तरीके से आ जाए, जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ पे हम लोग उस पर आ जाएंगे थिएटरों पे। तो क्या आप FIR करना चाहेंगे? FIR के साथ में हम लोग इसको विरोध करेंगे कि ये चीज़ नहीं होना मनता। इसका ये होना चाहिए कि भाई ये चीज़ ना होए, उसके लिए हम पूरी विरोध करेंगे। और हो सकेगा तो उसका नाम निकाल दो। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, जिससे कि हमारी जहां तक कि हमारी इज्जत है तो हमारी इज्जत रखे। हमारा ईमान है, हमारा कोई रास्ते पे कोई चीज़ नहीं है। उसके लिए हम लोग ये चाहेंगे कि भाई ये चीज़ को हटाओ, जैसा समझ में आता आप वैसा ना करें। इस मुद्दे को आप पूरे हिंदुस्तान में उठाएंगे इंशाअल्लाह रहमान, वही करेंगे। अल्लाह हमारी इलाज रख लेगा, इज्जत देगा। मुद्दा आप तक आया है और क्या किसी फिल्म को लेकर कोई नाराजगी है? एक फिल्म बनी हुई है वन नाइट आउट करके, उसको लेकर मैंने उसके अंदर एक बैनर बनाया हुआ है, उसके अंदर मक्का शरीफ का और मदीना शरीफ का फोटो लगाया हुआ है। और उस बैनर के ऊपर वो लोग मैंने बैठ के मैंने पूरा उसका गाना चल रहा है, पूरा औरतें बैठी हुई है, मर्द वहाँ पर बैठे हुए, जिसको लेकर मैंने उसकी बेहुरमती हो रही है। और किसी भी धर्म के अंदर अगर किसी इस तरह की कोई भी बेहुरमती करता है तो कानून के अंदर इन लोगों को खड़ा करके इनके ऊपर मैंने फिल्म को बैन करना चाहिए और इसको इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इसी तरह हम मैंने हर बार कहीं भी इस तरह का अगर कोई मुद्दा होता है हम इसकी आवाज़ उठाते हैं। और अगर पुलिस स्टेशन अगर सपोर्ट करती है तो पुलिस स्टेशन से हम सपोर्ट लेते हैं, अगर पुलिस स्टेशन सपोर्ट नहीं करती तो हम कोर्ट से उसके आवाज़ उठाकर उसके ऊपर FIR लेते हैं। ओके, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्या आपने वो गाना देखा है और गाना देखा तो आपको क्या लगा? क्योंकि फिल्मी गाना है, यकीनन आइटम सॉन्ग है तो बहुत वल्गर भी होगा, बहुत अजीब तरह के कपड़े भी, शॉर्ट ड्रेसेस में लड़कियां मर्द होंगे, तो क्या आपने गाना देखा है? मैंने पूरा गाना सुना और पूरा गाने सुनने के बाद मैंने पूरा ये देखा और उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये बैनर मैंने पैर के मैंने जहां बैठे हुए उसके नीचे मैंने बैनर लगा हुआ है। इवन मैंने उनको बैनर लगाना चाहिए, अपने सर के ऊपर लगाना चाहिए। जो लोग वहाँ पे मक्का मदीना और मदीना शरीफ लोग मैंने वहाँ पे ज़ियारत के लिए जाते हैं और वहाँ पवित्र मानते हैं। और किसी धर्म के अंदर ये नहीं है, किसी धर्म के लोगों को ठेस पहुँचाना किसी का काम नहीं है। और इस तरह के जो जो इसमें लोग इन्वॉल्व है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओके, क्या आपकी आगे क्या प्लानिंग होगी लीगली? या जैसे डायरेक्टर का नाम डायरेक्टर रविंदर है, रविंदर खरे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो क्या आपकी कार्रवाई होगी? क्या आप उनको लेटर लिखेंगे? क्या आप उनसे मिलेंगे? रविंदर खरे को हम लीगल एक नोटिस भेजेंगे, जावेद हैदर को भी हम एक लीगल नोटिस भेजेंगे और पुलिस के अंदर भी एक मैंने हम कॉपी देंगे कि इनके खिलाफ मामला दाखिल किया जाए। और इसके ऊपर मैंने जो मुसलमान लोगों को जो ठेस पहुँचाने की, चाहे कोई भी धर्म हो, किसी तरह का धर्म हो, किसी धर्म से मैंने खिलवाड़
खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, अगर कोई करता है तो उसके ऊपर मतलब बैन लगना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या फिल्म को भी प्रदर्शन से रोकेंगे आप? बिल्कुल, हम जरूर मैंने उसके ऊपर मैंने पूरा रोकेंगे और मौका आएगा तो हम मैंने उसके ऊपर प्रदर्शन भी करेंगे। जावेद हैदर खुद एक मुस्लिम एक्टर है, उनको खुद भी सोचना चाहिए था, सेंसिबिलिटी होनी चाहिए थी। आपको लगता है उन्होंने भी इस चीज को नजरअंदाज किया? जरूरी है, वो अगर उन्होंने नजरअंदाज किया तो उसका मैंने सजा भुगतनी है। अगर सजा हर कानून के अंदर दायरे के अंदर हर एक को सजा के अंदर आना ही आना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर अगर अमल नहीं करेंगे तो हम मैंने किसी जो हद तक हमको जाना पड़ेगा वहां तक जाएंगे हम। शुरुआत कैसे करेंगे, पहले लीगल नोटिस या पहले मिलके मुलाकात? नहीं, हम मिलने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। हम पहले लीगल नोटिस देंगे और उसके बाद पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करेंगे। पुलिस ने अगर किसी तरह से कार्रवाई नहीं की तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कोर्ट में जाकर उसके ऊपर बैन लगाएंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और इस तरह की फिल्म जो इंसानियत को ठेस पहुंचाने वाली जो चीजें, उस पर हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि सिर्फ उतना हिस्सा जितने हिस्से से आपको एतराज है अगर वो हटा दिया जाए तो क्या आप नहीं खिलाफत करेंगे और आप बोलेंगे चले? नहीं, जो चीज उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो बेहुर्मती की हुई है उनको तो उनकी सजा उनको भुगतनी है और उनको जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक हम मैंने खामोश नहीं बैठेंगे। तो कहीं पे भी फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे? कहीं भी हम रिलीज नहीं होने देंगे। ओके, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर, सीएम से या यू नो द लॉ एंड ऑर्डर? हम इस आवाज को जहां तक हमारी आवाज पहुंचेगी वहां तक हम पहुंचाएंगे, चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, वहां तक हमारी आवाज को सब जगह पहुंचाएंगे। सेंसर बोर्ड को भी हम नोटिस देंगे कि इस फिल्म को बैन किया जावे और इनके जो भी बने इनके ऊपर जो हो सके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। सेंसर ने कैसे इस तरह के मुद्दे को बिना सोचे समझे और उसको सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट भी दे दिया, रिलीज के कगार पे भी आ गया। आपको लगता है कि सेंसर बोर्ड की भी कहीं गैर जिम्मेदार? सेंसर बोर्ड ने इतना डीपली मेरे ख्याल से उन्होंने देखा नहीं होगा, अगर देखा भी होगा तो शायद हो सकती है कि इनकी मिली भगत से मेरा काम हो रहा है तो इनके ऊपर भी मैंने इसलिए हम बोले कि इनके ऊपर भी हम लीगल नोटिस देंगे जरूर। थैंक यू सो मच सर। जानना चाहूंगा क्या मुद्दा आप तक पहुंचा है, और जो मुझे पता है किसी फिल्म को लेके कोई एतराज है, किसी गाने में किसी बात को लेके एतराज है, किसी सीन को लेके एतराज है, वो जानना चाहूंगा। जो गाना गाया गया है वो गाना तो अपनी जगह पे गाया गया है, लेकिन जो उसके आगे बैनर लगाया गया है जो हमारे में चलता नहीं है, जो काबा शरीफ है वो इस्लाम की बहुत बड़ी बेइज्जती है, वो इस्लाम के खिलाफ है। जैसा पद्मावती पिक्चर निकली थी, पद्मावती पिक्चर की क्या स्टोरी है, लेकिन उसमें भी अलग ही हिसाब से दिखाया गया, मुसलमानों की बेइज्जती करा गया, जिसमें जैसा कोई भी धर्म रहे अगर धर्म के नाम पे पिक्चर बनती है तो पिक्चर बनाना नहीं चाहिए। डायरेक्टर लोग को सोच समझ के वो पिक्चर बनाना चाहिए कि मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चन हो, कोई भी जातिवादी के ऊपर पिक्चर ऐसा बनाना नहीं चाहिए। और वो जो गाना मैंने देखा, मेरे हिसाब से वो गाना गाए और लोग उसके आगे बैनर लगाए जिसमें काबा शरीफ बना है, वो बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए क्या, पूरे हिंदुस्तान के जो मुसलमान है, कोई भी धर्म है, किसी भी धर्म के खिलाफ ऐसी पिक्चर बनना नहीं चाहिए, गाना गाना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी तकलीफ की बात है और ये बहुत जाके दिल पे लगती है। काबा शरीफ, मक्का मदीना, काबा शरीफ वहाँ हम जाते हैं, वहाँ हज करते हैं, हज करने के बाद उधर हमारा सारे गुनाह माफ हो जाती है। वो चीज़ को ये गाने से एकदम अलग लाइन होता है, फिल्म लाइन अलग होती है और ये गाना अलग होता है। और वो पैर के नीचे आ रहा है, वो जो गा रहे स्टेज पे, तो काबा शरीफ की फोटो नीचे है। पहले तो काबा शरीफ की फोटो लगना नहीं चाहिए, कोई भी दुआ नहीं लगना चाहिए, कोई भी चीज इसी तरह की लगना नहीं चाहिए। और उन लोगों ने लगाया तो उसके ऊपर नाच रहे, नाचने तो काबा शरीफ मक्का मदीना जो दिख रहा है नीचे, वो ऐसा दिखना नहीं चाहिए। बहुत बड़ी गलत बात है। क्या लीगल या क्या कार्रवाई करने की तैयारी है इसमें? हम लोग कार्रवाई करेंगे, इसमें हम लोग FIR कराएंगे, जो उसमें एक्टर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, जो लोग है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उन पे केस करेंगे हम लोग और इसको कोर्ट में लेके आएंगे। और ये जगह जगह पे लोगों को हम लोग बताएंगे कि ये चीज गलत है। हम लोग कोई फिल्म लाइन के आदमी नहीं है, कोई चीज के नहीं, हम लोग सोशल वर्कर है। ये चाहे कोई भी तरह हिंदू मुस्लिम किसी के लिए भी हम लोग उसके लिए आवाज उठाएंगे। सेंसर बोर्ड हमेशा एक फिल्म को जब देखता है, उसका रिव्यू करता है, तो उसको सर्टिफिकेट देता है कि हम ये फिल्म को पास करते हैं आम जनता को दिखाने के लिए। आपको नहीं लगता कि सेंसर बोर्ड ने भी कहीं इस मक्के वाली बात को, मदीने वाली जो काबा शरीफ की बात है और जिस तरह से उसकी बेहद भी हुई है, उसको इग्नोर किया, नजरअंदाज किया? सेंसर बोर्ड से तो बहुत बड़ी गलती हुई है। अब सेंसर बोर्ड किस हिसाब से चलता है, पैसे के हिसाब से चलता है, वो लाइन में फिल्म लाइन में जो लड़कियां है, हीरो हीरोइन, उन लोगों का क्या हिसाब चलता है, हम इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते, कमेंट नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ी गलत बात है। उनको ये चीज पे बार बार देख के कोई चीज ऐसा लगे तो शॉट को काटना चाहिए, वो सीन को काटना चाहिए, अपनी पिक्चर आप अपने हिसाब से बनाओ। लेकिन ये किसी के धर्म को मतलब ठेस पहुंचे, बहुत बुरा लगे, अच्छी बात नहीं है।
और आगे क्या कार्रवाई होगी? पहले एफआईआर करेंगे या लीगली जाएंगे या प्रदर्शन करेंगे, क्या क्या हो, प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? पहले हम एफआईआर करेंगे, पहले हम कंप्लेंट लिखाएंगे, अपने हिसाब से कंप्लेंट लिखाएंगे। कंप्लेंट लिखाने के बाद अगर इसके बाद कुछ नहीं होता तो हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जाने के बाद पब्लिक फिर रोड पे उतरेगी, प्रदर्शन करेगी।